हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू संगीता सोम किचन। तो फ्रेंड्स, आज है ट्यूसडे और आज मैं आप लोग के साथ एक हमारे उड़ीसा की सबसे स्पेशल पीठा रेसिपी आप लोग से शेयर करने वाली हूँ, जिसका नाम है काकरा पीठा। तो सबसे पहले पैन चढ़ाएं और उसे जब गर्म हो जाए तो उसमें नारियल का कोरा होता है उसे डालें, और नारियल के कोरा के हिसाब से आप चीनी डाल सकते हो, तो जितना मीठा खाना चाहो। तो मैंने एक कप नारियल था तो मैंने उसमें एक कटोरा भर चीनी डाला है, और उसे अच्छी तरह से हम लोग मिक्सअप कर लेंगे। थोड़ा सा वाटर भी इसमें ऐड करेंगे क्योंकि ये अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा वाटर ऐड कर देने से क्या होता है ना, ये जो है ना मेल्ट होके अच्छी तरह से फ्राई होता है। आप देख सकते हो मेरा जो है नारियल का कोरा था उसको चीनी को मैंने दोनों को अच्छी तरह से ब्राउन करके भून लिया है फ्रेंड्स। अब उसे एक प्लेट में हम लोग निकाल लेंगे। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और हाँ, ये मैं नहीं बना रही हूँ, ये मेरी मम्मी बना रही है क्योंकि उससे बहुत अच्छा बनता है। सो गाइस, देखिए आप किस तरह से आपको नारियल को करना है, इसको ब्राउन, पूरा अच्छी तरह से ब्राउन करके इसको एक प्लेट में हम लोग जो है निकाल लेंगे। तो ये मेरा हो चुका है, बस इसे मुझे प्लेट में निकालना है। और उसी पैन में जो है ना, आप जिस पैन में नारियल का बनाया था उसी पैन में आप वाटर दीजिएगा। अगर मान लीजिए आप सूजी 250 ले रहे हैं, या फिर अकॉर्डिंग आप सूजी देख के अकॉर्डिंग वाटर डालिएगा। और उसमें देख सकते हो आप इलायची, कूटा हुआ इलायची ऐड करिएगा। मैं तो आधा किलो सूजी बना रही हूँ, इसीलिए मैंने वाटर, आप देख सकते हो ये मेरा दो कप बड़े कटोरे से दो कटोरा वाटर है, और उसमें मैंने चीनी भी ऐड किया आधा कटोरा, क्योंकि ऑलरेडी नारियल में भी चीनी है और पानी में भी चीनी। सो गाइज, दोनों का बैलेंस ठीक होना चाहिए, ओके, ये आप ध्यान रखिएगा ज़रूर। और इसमें मैंने आधा कटोरा चीनी डाला है और वाटर, और इसमें कूटा हुआ इलायची और थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिएगा, और इसे अच्छी तरह से मिलाइएगा। तो गाइज, आप देख सकते हो मैंने अब उसमें सूजी ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हो ये मेरा आधा किलो सूजी है। तो अब आप सूजी में ना आप ज़्यादा भी कर सकते हो, बिकॉज़ आप ऊपर से भी पानी दे सकते हो। ये तो हलवा टाइप का ही बनेगा, थोड़ा हार्ड बनेगा, हलवा थोड़ा सॉफ्ट बनता है, ये थोड़ा हार्ड बनेगा। जैसे कि छाना हुआ आटा किस टाइप का होता है उसी टाइप का बनेगा। और इसे डालते डालते अच्छी तरह से मिलाइएगा, नहीं तो जो गाँठे होती है ना, गाँठ बन जाएगी सूजी में, जो नहीं अच्छी तरह से मिलाने से गाँठ टाइप का हो जाता है। अब इसको अच्छी तरह से आप मिक्सअप करिएगा, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करिएगा। देखिए किस तरह से ये हो रहा है, देख रहे हैं आप, ये धीरे धीरे मतलब आटा का जैसा हो रहा है। ये आटा से भी बनता है, तो मैं आप लोग को इसकी रेसिपी किसी और टाइम दूंगी। ये आटा जो होता है ना आपका गहम का आटा, उससे भी बनता है, मस्त लगता है, उससे तो और टेस्टी होता है सूजी से भी, बट वो थोड़ा अलग टाइप से बनता है। तो मैं आप कोशिश करूंगी कि मेरी मम्मी को कन्विंस करूंगी कि वो भी कभी वीडियो डालें। सो गाइस, आप लोग तो मेरी वीडियो देखते हो लेकिन मेरे वीडियो को कोई लाइक नहीं करते हो और ना सब्सक्राइब करते हो। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो जो नए लोग आते हैं मेरे वीडियो देखते हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और सारे वीडियो को देखें, फुल वॉच करें, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जैसे सब यूट्यूबर्स आगे बढ़े वैसे मुझे भी आगे बढ़ने में सपोर्ट करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ये देख सकते हो गया, ये इसे जो है ना एक बर्तन में हम लोग निकाल लेंगे। देख रहे तो इसको कितना मिक्सअप करना पड़ रहा है, बिकॉज़ ये बहुत इसको अच्छी तरह से, जैसे कोई गाँठ ना हो उसके अंदर, नहीं तो पीठा अच्छा नहीं बनेगा। सो गाइस, इसको जो है ना हम लोग अब निकाल लेंगे एक पैन में। इसको ना मैंने नहीं, मेरी मम्मी ने एक पैन में इसको निकाल लिया, देख सकते हो आप। और इसे ना आप सूप या फिर कोई पीतल का थाली वगैरह हो अगर निकाल लीजिएगा, और थोड़ा सा ऑयल हैंड में लगा के हाथ अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, और थोड़ा सा ऑयल हाथ में लेके इसको जो है ना अच्छी तरह से सान लीजिएगा, गूंद लीजिएगा। फिर जो है ना, फिर देख रहे हैं तो मेरी मम्मी किस तरह से बना रही है, पहले उसको चपटा बना के उसको गड्ढा टाइप का करके उसके अंदर भर के फिर उसको
ऐसे करके देख रही है आप कैसे बना रही है मम्मी, आप अच्छी तरह से देख लीजिए किस तरह से आप बनाना है। और इस तरह से पीठा जो है दिखता है, देखिए आप इस तरह से दिखेगा ओके। और फिर इससे और कुछ नहीं करना, बस इसे जो है ऑयल में इसको फ्राई करना है। तो मैंने पहले से ही ऑयल गर्म करके रखा था और उसमें देख सकते हो आप मैंने 3 पीठा डाला है। बस इसी तरह से सारे पीठे को आपको फ्राई करके निकालना है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। आई स्वे आप एक बार ट्राई करके देखना, अगर अच्छा नहीं लगा तो मुझे बोलना। और थोड़ा सा सच में फ्रेंड्स इतना खाने में इतना टेस्टी लगता है ना ये हम लोग को। और ये मैंने उसके साथ खाने के लिए खीर भी बनाया है, सवाई है, खीर नहीं है। मेरे घर में चावल का कोई उतना पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने सवाई बनाया है। अभी वीडियो मैंने किसी ने दिया है तो आप देख लेना ओके। तो सवाई किसको नहीं आता है, जो सवाई आप लोग से मैं शेयर करूँ। सो गाइस आप देख सकते हो मेरे सारे पीठे बन के रेडी हो चुके हैं, अब उस एक प्लेट में मैं रख लूँगी। तो देखिए किस तरह से बना है, देख के और अभी पीठा है मुझे सारे को बनाना है। अभी देखिए कितना सारा मम्मी बना के रखी है। सो गाइस बताना क्या खाइएगा फ्रेंड्स, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और तो फिर मिलते हो आप लोग को नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल।